पर सुनवाई करता है, वो कैसे यहां पर क्या रुख अख्तियार करता है। वैसे एक और ताजा जानकारी के साथ संवाददाता अवैस हमारे साथ सीधे दिल्ली से जुड़ गए हैं। अवैस, कल बहुत स्वतः संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने गंभीरता दिखाई थी लखीमपुर मामले में, आज दूसरे दिन भी सुनवाई होनी है, क्या कुछ आज कोर्ट में हो सकता है, क्या कुछ सुनवाई में आज सामने आ सकता है? देखिए, सबसे अहम सुनवाई आज होने जा रही है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को जवाब देगी कि उसने अभी तक इस लखीमपुर खीरी मामले में क्या कुछ कार्रवाई की है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब कल सुनवाई हुई थी तो उत्तर प्रदेश सरकार से साफ तौर पर पूछा था कि कितने लोग इस मामले में अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं, कितने लोगों के खिलाफ FIR हुई है, कितने लोग पीड़ित हैं और क्या कुछ जाँच कहाँ तक पहुँची है, इस मामले में जानकारी दी जाए। और इसके अलावा ये भी पूछा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो याचिकाएँ दाखिल हुई हैं उनकी संख्या क्या है और उनका स्टेटस क्या है, यानी सुनवाई शुरू हुई या नहीं शुरू हुई है। हालांकि कल एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह भी रहा, कोर्ट से ही जुड़ा हुआ मानता हूं मैं उसको, कि जैसे ही कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके लगभग 3 घंटे के अंदर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो हरकत में आती है और 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। तो कहीं ना कहीं अपने जवाब में ये सारी चीज़ें दिखानी होगी। अजय मिश्रा के बेटे को एक नोटिस भेजा गया, वो चीज़ जो है उत्तर प्रदेश सरकार के जवाब में कहीं ना कहीं शामिल की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस के जो एक्शन हुए हैं वो एक्शन यही दिखाते हैं कि कोर्ट के जिस तरह से सवाल पूछे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से या उत्तर प्रदेश की पुलिस से, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस एक्शन में आई है और गिरफ्तारियां और नोटिस देना जो शुरू किया। लेकिन अब देखना ही होगा कि जब आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाता है तो वो उस जवाब में क्या कुछ कहते हैं। हालांकि कल जब सुनवाई हो रही थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकील गरिमा प्रसाद पेश हुई थी, उन्होंने कहा था कि इस मामले में SIT बनाई जा चुकी है, FIR दर्ज हो चुकी है और एक न्यायिक जांच का आयोग जो है वो भी गठन किया गया जिसके अध्यक्षता हाईकोर्ट से रिटायर्ड जज करने वाले हैं। तो वो तमाम चीज़ें कह दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा था कि इस मामले में अब तक कितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं उसके बारे में बताइए, कितनी FIR हुई है, कौन लोग पीड़ित हैं, कहाँ तक जाँच पहुँची, इन तमाम चीज़ों का सवाल जो है वो आज उत्तर प्रदेश सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में देगी तो उसके बाद देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ अहम फैसला या ऑब्जर्वेशन जो है इस पूरे मामले में आता है। बिल्कुल आवश्यक, लेकिन खास बात यह भी है कल जिस तरह से सरकार से सवाल किए सुप्रीम कोर्ट ने, जो यहाँ पर मुद्दा है कार्रवाई को लेकर है, जो पीड़ित परिजन है उनको न्याय को लेकर है, जो अभी तक मंत्री पर कार्रवाई नहीं हुई, ये तमाम सवाल भी लगातार यहाँ पर सबके जहन में, जिस पर आज जवाब मांग सकती है सुप्रीम कोर्ट, खासतौर पर तब जब यहाँ पर न्यायिक आयोग के गठन को मंजूरी भी दे दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए कल ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो ऑर्डर कॉपी की हुई या फिर जब सुनवाई हो रही थी उस दौरान साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा था कि आप ये तो कह रहे हैं कि हम एक इस तफसीली रिपोर्ट दाखिल कर देंगे, लेकिन आपको उस तफसीली रिपोर्ट में ये बताना होगा कि आपने अभी तक इस मामले में कितनी गिरफ्तारियाँ की हैं, कितनी FIR दर्ज हुई हैं, कौन लोग पीड़ित हैं, उन तमाम लोगों के नाम बताने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि जाँच कहाँ तक पहुँची है इस बारे में भी तफसील से बताइए। हालाँकि ठीक है, आपने एक न्यायिक आयोग बना दिया है, SIT बना दिया है, लेकिन आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि अभी तक आपने जो जांच है वो सही से नहीं की जा रही है, ना ही FIR सही तरीके से दर्ज की गई, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो कल जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो कार्रवाई की है कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट के सवाल के बाद, तभी लगातार 3 घंटे के अंदर जो है वो 3 गिरफ्तारियां हो गई, नोटिस भेज दिया गया अजय मिश्रा के बेटे को। तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्ट हुआ है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल यही कर रहा था कि जो लोग जिन लोगों के नाम FIR में हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, लगातार विपक्ष की मांग यही थी। अब देखना ही होगा कि क्या जब आज अजय मिश्रा को जो नोटिस के बेटे को जो नोटिस भेजा गया है पेश होने के लिए वो पेश होते हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी उसके बाद होती है या नहीं होती, क्योंकि उनके ऊपर गंभीर एलिगेशन के तहत जो है FIR दर्ज कराई गई है, FIR में कई गंभीर आरोप जो है अजय मिश्रा के बेटे के ऊपर लगाए गए हैं। देखना ही होगा कि अब जब सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार फाइल करती है तो उसमें क्या कुछ जवाब जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष की मांग की बात करें या फिर किसान संगठन की मांग की बात करें, वो लगातार यही कह रहे थे कि अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, वो मुख्य आरोपी हैं, तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन अभी तक अगर पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो दो उनके संबंधित या फिर उनके जानकार जो लोग थे जो उनके साथ मौजूद थे उस दौरान, उनमें से 2 से 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो अब देखना ही होगा कि जब आगे की जो है पुलिस किस तरह से करती है और सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब जो है वो पेश किया जाता है और जब सुनवाई शुरू होगी तो उत्तर बिल्कुल साथ सबकी नजर इसी बात पर है कि आज दूसरे दिन जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करता है तो क्या रुख अख्तियार करता है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।